और आधुनिक जीवन शैली और बुजुर्गों की देखभाल के बीच तालमेल बैठा पाना एक चुनौती भरा काम है, लेकिन विदेशों की तर्ज पर अब भारत में भी बुजुर्गों को सेवा देने वाली पेशेवर संस्थाएं आ चुकी हैं। यहाँ पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन सुविधाएं भी उसी हिसाब से मिलती है। सुधीर संघवी ने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अमेरिका में बिताया। अब कुछ बीमारियों की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा तो उनके परिवार ने उनके लिए पपाया केयर नाम के असिस्टेड हेल्थ लिविंग सेंटर को चुना। संघ भी यहाँ की सुविधाओं से खुश हैं। मैं अमेरिका से आया हूँ, साथ में मेरे सिस्टर यहाँ से आई है भावनागढ़ से। यहाँ सभी सुविधा मिल रही है, ऐसा लगता है ना घर जैसा रहता है मुझे। आप इस लिविंग सेंटर की तुलना किसी सामान्य ओल्ड एज होम से नहीं कर सकते। यहाँ का माहौल 3-स्टार होटल के जैसा है। पर्सनल असिस्टेंट, मेडिकल चेकअप, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खाना, एक्सरसाइज, संगीत जैसी वो तमाम सुविधाएं हैं जिनकी जरूरत एक बुजुर्ग को पड़ सकती है। ओल्ड एज होम में कैसा है कि लाइक डिमेंशिया, अल्जाइमर, जो लोग भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस, उन लोगों को नहीं रखते क्योंकि वो कहीं भी चले जाते हैं, खो जाते हैं, राइट। यहाँ पे लॉक फैसिलिटी है लाइक वो, और केयर गिवर साथ में ही रहती है 24/7, रात को भी साथ में रहती है, तो कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई भी टाइप का असिस्टेंट चाहिए तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये कंपनियाँ लिविंग सेंटर के अलावा बुजुर्गों को अस्पताल से घर ले जाने, घर पर देखभाल करने और खास बीमारियों में खास तरीके की सेवा का विकल्प भी देती है। मनीष देसाई, अहमदाबाद।